के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चिलवाताल थाना क्षेत्र में 10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा पास्को एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं जिले के नोडल अधिकारी आलोक कुमार ने किया विकास कार्यों की समीक्षा। यूपी सिडको एवं आवास विकास के कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, कहा सुधारें ट्रैफिक व्यवस्था। अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर से 5,000 रुपए रिश्वत लेते पुलिस ऑफिस के लिपिक ज्ञानेन्द्र सिंह को एंटी करप्शन टीम ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जिले के नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव ने किया गीडा के उद्यमियों के साथ बैठक, सुनी समस्याएं, दिए निस्तारण के आदेश। पिपराइच पुलिस ने अब मिश्रित अंग्रेजी शराब बेचते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई लोकसभा प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक, चुनाव में खर्च किए गए धनराशि की गई समीक्षा। बेलीपार पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बरामद किया लगभग 2.5 लाख रुपए का नकली शराब, हरियाणा से जा रहा था बिहार। मुख्यमंत्री के फरमान पर सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचे एसएसपी ने लगाया जनता दरबार, सुनी समस्याएं, किया निस्तारण। गोरखपुर सदर लोकसभा के 9 निर्वाचित सांसद रवि किशन ने लिया संसद सदस्य की शपथ, कहा भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का रहेगा मेरा भरपूर प्रयास। चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त चढ़ा बेलीपार पुलिस के हत्थे, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। जिले के नोडल अधिकारी आलोक कुमार ने तहसील सदर का किया निरीक्षण, देखा तहसील समाधान दिवस के शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता, किया तहसील सदर के परिसर में वृक्षारोपण। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर भाजीमो के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र एवं माला पहना कर किया गया सम्मानित। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस, आए फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए किया गया निस्तारण। विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, कहा जल्द हो समस्याओं का समाधान नहीं तो होगा आंदोलन। विश्व हिंदू महासंघ ने यूपी बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के मेधावियों को गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित। और प्रधान डाकघर में स्कूली बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन फ्लैट लिए समर कैंप में डाक टिकटों की प्रदर्शनी के साथ साथ पत्र लेखन क्विज का किया गया आयोजन।